मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ में चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटा हैंडलिंग के टाइप्स, एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ के बारे में, और इस वीडियो में हम देखेंगे डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में। तो शुरू करते हैं। ओके, सो हम बात करेंगे डबल बार ग्राफ की। जैसा कि मैंने बोला, डबल बार ग्राफ हम कंपेयर करने के लिए बनाते हैं जब हमें दो कंपनी या दो अलग अलग चीजों के बारे में कंपेयर करना होता है। लाइक इसमें हमें डेटा दिया हुआ है, इसमें डेटा का सैंपल है, लाइक ये आपका डेटा टाइप है, पिज्जा कितने लोगों को पसंद है, पास्ता कितने लोगों को पसंद है, ये है। बट इसमें हमें अगर दो लोगों को कंपेयर करना पड़े, लाइक जैसे ये हमारा है क्लास 8A का, ठीक है, क्लास 8A का ये सैंपल है। क्लास 8A में पिज्जा इतने को पसंद है, पास्ता इतने को पसंद है, सैंडविच इतने को पसंद है। अगर हमें क्लास 8B का भी सैंपल दिया हुआ हो, तब हम जाकर के डबल बार ग्राफ बना पाएंगे, अदरवाइज सिर्फ बार ग्राफ ही बनेगा, ठीक है। सो हम पहले ले लेते हैं एक सैंपल बी। तो इसमें नीचे में ये कहते हैं, लेट्स से इस सैंपल बी में है ये 12, ये है 16, ये है 8 और ये है 14, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 14 ये 22, 22 और 6 28, 38, तो 40 और 50, तो टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, सेक्स ए में भी बी में भी। अब हमारे पास दूसरा पेपर से दिया हुआ है और अब इन दोनों को कंपेयर करते हुए डबल बार ग्राफ बनाएं। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने बार ग्राफ में बनाया था, एक लेंगे वाई एक्सिस, एक लेंगे एक्स एक्सिस, दोनों मीट करेगा ओ पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम हमेशा की तरह लेंगे फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे हमेशा की तरह लेंगे हमारा डेटा सैंपल, यानी कि यहाँ पर क्या है, फूड प्रेफर, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, यहाँ पर जो हम देखते हैं 2-2 का गैप लेकर के, सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। सो ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी का स्केल। अब हम लेते हैं एक एक करके, सो पिज्जा सेक्शन ए में कितना को पसंद है, 13, 13 आप आएगा 12 और 14 के बीचों बीच, यानी कि ये, ठीक है। दिस इज इसको भी
वर्ब 14 यहाँ आएगा। तो ये रहा हमारा डेटा टाइप। दिस इज ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। ये है पिज्जा का के लिए, पास्ता सैंडविच एंड बर्गर। ओके, सो इस तरह से बनता है हमारा डबल बार ग्राफ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोग्राम के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम के लिए। बट हिस्टोग्राम के लिए बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ेगा कि इस डेटा को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक क्लास इंटरवल चाहिए होता है, ठीक है। अब ये क्लास इंटरवल क्या होता है, लेकर के 1 2 3 4। तो यहां पर 1 2 3 की
जीरो वन टू थ्री, जीरो से फोर के बीच लिए, जीरो से फोर अगर आपका क्लास इंटरवल है तो इसमें जीरो वन टू थ्री के बच्चे आएंगे और इसको हम कहेंगे क्लास ब्रेक, यानी कि हमारा क्लास ब्रेक कितना होगा, चार का होगा, एक दो तीन चार, चार टाइप के लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। लेट्स से आपकी क्लास में एक टेस्ट हुआ मैथ्स का टेस्ट, और वो तो टेस्ट था 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स में कितने बच्चों को कितना नंबर मिला है ये हम लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये रहा मैथ्स का मार्क्स एक क्लास में स्टूडेंट्स का। अब सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल। सो आप क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक का लेंगे, ये 50 तक का मार्क्स है। सो आप इस तरह से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 10 का क्लास में लेगा क्योंकि आप ले सकते हो क्लास इंटरवल, या फिर आप 5 5 का भी ले सकते हो। अगर आप 5 का लेते हो तो 0 से 5 5 ग्रुप बनेगा, 5 से 10 का बनेगा। हम यहाँ पर 10 10 क्लास विथ का लेकर के क्लास इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा वही टैली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल फिर टैली मार्क्स और यहाँ है फ्रीक्वेंसी। ओके, सबसे पहला क्लास इंटरवल हमारा 0 से लेकर के 10, देन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और लास्ट 40 से 50, यहाँ हो जाएगा हमारा टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले 0 से लेकर 10 48 आएगा, यहाँ पर 24, यहाँ पर 49, यहाँ 21, यहाँ 18, यहाँ 36, here 34, here 32, here 19, यहाँ 8, यहाँ 19, यहाँ 21, यहाँ next 23, यहाँ 27, यहाँ 36, यहाँ 32, here 30। अब 30 के समय बताए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम वहाँ लेंगे जहाँ वो लोअर क्लास में बैठे, तो यहाँ पर हम लेंगे 30, ठीक है। सो यहाँ आएगा यहाँ, और नेक्स्ट 28, यहाँ 25, यहाँ 49, यहाँ 48, यहाँ 21, यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ ठीक है 7, यहाँ 9, यहाँ 16, 18, 22, 39, 41, 43, 29, 20, 40, 19, 28, 37, 39, 30, 40, 48, 31, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ओके। सो ये रहा हमारा टाइम आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं।
दिस इज 4 9 16 11 10 टोटल कितना हो गया 10 10 20 2 3 20 ओके टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसके हिसाब से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। सो लाइक ऑलवेज एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा डेटा सैंपल और वाई एक्सिस पे हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी। सो बनाते हैं दो एक्सिस दिस इज 0 और ऑडिटिव दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां पर एक चेंज है। चेंज क्या? यहां पर हमारा सिंस जीरो एक्स एक्सिस भी हमारा न्यूमेरिकल है तो यहां पर भी हमें स्केल लेना होगा, ठीक है? और स्केल हम बराबर बराबर देंगे तो 0 से लेकर 10 तक हम यहां रख रहे हैं, देन 20 30 40 50। ऑलराइट, इस तरह से हमारा हो गया इधर उसके और इधर हम लेते हैं मार्क्स इन टू करके जाओगे, ठीक है? सो 2 4 6 ओके। सो अब यहाँ पर से हमारे पास दो स्केल्स हैं। एक जगह पर हमारा एक यूनिट का वैल्यू 2 है, एक जगह पर हमारा एक यूनिट का वैल्यू 10 है। सो हमें दो स्केल यहाँ पर लिखना भी होगा। जब भी आप बार ग्राफ बनाए तो आप स्केल जरूर लिखें। यहाँ पर लिखना होगा 1 बिग यूनिट, जैसा कि मैंने बोला था कि एक में बहुत सारे सब डिविजन होते हैं, 10 डिविजन होते हैं, तो आपको ये लिखना जरूरी है कि एक बड़ा यूनिट, तो एक छोटा यूनिट भी 10 के बराबर हो सकता है। सो 1 बिग यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है? एंड 1 बिग यूनिट अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। आपको ये स्केल जरूर लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट 0 से लेकर के 10 का है 4। सो 0 से लेकर के 10 यहां तक आ गया आपका 4, ठीक है? नेक्स्ट 10 से 20 के बीच 9, 10 से 20 के बीच 9, ओके। सो ये रहा हमारा हिस्टोग्राम, कंटीन्यूअस होता है ये, ठीक है? बिकॉज़ हमारा क्लास इंटरवल्स होता है। सो 0 से 10 के बीच में 4 है, 10 से 20 के बीच में 9 है, 20 से 30 के बीच 16 है, 30 से 40 के बीच 11 है और 40 से 50 के बीच 10 है, ठीक है? सो ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा डेटा हैंडलिंग के बेसिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।